लोधना क्षेत्रीय कार्यालय के विद्युत एवं यांत्रिक विभाग के कर्मियों ने लोधना क्षेत्रीय प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय में काम करने वाले कर्मी कई तरह के जटिल समस्या से परेशान हैं, जैसे महिलाओं के शौचालय गंदा होने, पीने का पानी न होना एवं पीट वाटर 15 दिनों से न होना और आवारा कुत्ते के कारण काम करने वाले कर्मी इन दिनों परेशान है। बताते चले कि क्षेत्रीय कार्यालय में प्रबंधन द्वारा महिला एवं पुरुष के लिए दो दो शौचालय का निर्माण किया गया, लेकिन आज तक उसमें ताला जड़ा हुआ है, जिसके कारण प्रतिदिन कार्यालय में आने जाने वाले एवं काम करने वाले लोग परेशान रहते हैं। वहीं कर्मियों ने प्रबंधन से आग्रह किया कि सबसे पहले कार्यालय में घुसने वाले कुत्तों को गेट के बाहर किया जाए, ताकि किसी तरह का बीमारियां ना हो सके, और शौचालय एवं पानी की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए और कूड़ा कचरा को फेंक कर कार्यालय को स्वच्छ बनाया जाए। परेशानी हो रही है आप लोगों को? देखिए, यहाँ जीएम ऑफिस है, एरिया ऑफिस लोधना, यहाँ पर कम से कम 10-15 दिन से पानी नहीं है। साथ साथ यहाँ इतना कुत्ता है, चारों तरफ घूमते रहता है ऑफिस वगैरह में, यहाँ कुत्ते का भरमार हो गया है, कुत्ते से लोग परेशान हो गया है, इस सब से मुक्ति दिलाना जरूरी है। तो क्या यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था नहीं है? गार्ड तो बहुत है, लेकिन गार्ड रहते हुए भी तो कुत्ता घुस जा रहा है। गार्ड तो बहुत है, क्या की कमी नहीं है? क्या कुछ बोल रहे थे, पानी का क्या क्या दिक्कत है? पानी 15 दिन से पानी ही नहीं है ऑफिस में। तो यहाँ तो मशीन वगैरह लगाया गया था, 6-6 डिजिटल मशीन, पता नहीं पानी का तो फिर भी कमी है यहाँ। पानी बिना बहुत दिक्कत हो रहा है, घर से छोटा सा बोतल में लेके आते हैं टिफिन धोने के लिए, बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ। मतलब पानी पीने के लिए नहीं है या धोने पीने के लिए? हाथ में लेने के नहीं, पेशाब करके हाथ में धोने के लिए नहीं, ऐसा पोजीशन है। लेटरिन भी नहीं है। कौन सा विभाग से हैं आप? हम यम से। क्या नाम हुआ आपका? रामकिशोर कुमार। क्या कुछ पीने का पानी का क्या परेशानी बोल रहे थे? यहाँ लगभग 10-15 दिन हो गया, पानी की काफ़ी किल्लतें हैं। दो दो जगह में यहाँ पर वाटर प्यूरीफाई मशीन लगाया हुआ है, जो खाली नाम का है, देखने के लिए। पानी का ही सप्लाई नहीं है तो पानी मिलेगा कहाँ से? नहीं नहीं और कौन सा पानी बोल रहे थे, ये पीट वाटर को लेकर? कुछ भी पानी नहीं है, ना हैंड वॉश के लिए है, ना बाथरूम जाने के लिए है, ना पीने के लिए है, ना बाथरूम भी सही है, ना बाथरूम हम लोग का सही है। हम लोग को तो बाहर में शौचालय करने के लिए जाना पड़ता है। और क्या इसको क्या क्या अपना परिचय दे दें? मेरा नाम सुमित सुपकर है, मैं ANM डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। क्या है आप लोग ऑफिस में? हम लोग के लेडीज बाथरूम में बहुत गंदगी है, जाने आने के पानी भी व्यवस्था नहीं। पानी क्या पानी नहीं चल रहा है? नहीं, पानी भी नल भी नहीं है, नल भी बंद हो जाता है, पानी भी पते नहीं लगता है, खुल के भी रह जाता है बाथरूम, कोई उसको देखभाल करने वाला कोई। कितना मैन पावर होगा लगभग? दो महिला कितने होगी कम से कम? 50 महिला काम करती है ना। तो पीने का पानी का क्या व्यवस्था है? पीने का पानी भी नहीं मिलता है, बाथरूम के दोनों चीज का पानी नहीं। अच्छा, तो अभी एक कुछ लोग कह रहा है कि कुछ कुत्ता उत्ता ऑफिस में घूम रहा, परेशान कर रहा। हाँ, कुत्ता तो घूरता है, पूरा हगमुत के कचाइन कर देता है, रूमे रूमे टेगे के लात भी धरा भी जाता है, तो कहाँ आदमी साफ सुथरा करे। मतलब साफ सफाई को लेकर आप लोग को चाहिए ना? ANM में जल्दी झाड़ू भी नहीं कोई आता है मारने के लिए, साफ भी करने के लिए नहीं आता है। साहब लोग भी जाके बोलता है साहब के, तो साहब भी नहीं सुनता। तो स्वच्छ अभियान चल रहा है पूरे देश में, तो क्या आपके एरिया कार्यालय में नहीं हो रहा है? नहीं होता है, सब डिपार्टमेंट होता है, ANM में नहीं होता है। ANM में कोई देखे भाल करे वाला नहीं। क्या नाम है आपका? पद्मा देवी।